हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, मेरा ब्लॉग आ रहा है बहुत दिन के बाद, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी और टाइम ही नहीं मिला ब्लॉग बनाने के लिए। तो आज सोची बना लूँ आप लोगों के लिए ब्लॉग वीडियो। यार, कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है, प्लीज़ यार आप मुझे भी सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग मेरी हालत देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे कितनी पतली हो रही हूँ। मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। और जो मेरी छोटी वाली बेटी है वो बहुत मुझे परेशान करती है, अभी तो सो रही है आप देख सकते हो। तो मैं सोची बना लूँ अभी वीडियो आप लोगों के लिए। मेरा हस्बैंड का भी हाथ वो थोड़ा सा कट गया है, चारा काटने के लिए गए थे गाय के लिए, तो उसी वजह से उनका भी तबीयत सही नहीं है, काम पे भी नहीं जा रहे हैं। गाइस, क्या बताएं आप लोगों को, आप लोग तो सब कुछ जानते हो। बिड़ी का काम भी लेके आई हूँ, क्या करूँगी घर बैठे, 1-2 हज़ार बना लेती हूँ बीड़ी आप लोगों के लिए। क्या किया जाए, बीड़ी बना के फिर फ़ोन में पैसा नहीं था मेरा, तो फिर मैं फ़ोन में पैसा डाली, पैसा भी नहीं था 2-3 दिन से, तो कल डाली हूँ पैसा। बेटी जमा किया, 300 रुपये मिला, तो 200 रुपये 300 रुपये डाली मोबाइल पे। अच्छा बंधन आ रहा है गाइस, तो जाऊँगी मायके। किसी को मैं फ़ोन करके बोली हूँ दवाई लाने के लिए, कुछ दवाई खा के अगर सही लगा तो सही है, पता नहीं कब। मैंने बोला है उसे कि मेरा दवाई लेके आओ, एक सहेली है मेरा, उसने बोला कि तू इतनी कितने तेरी तबीयत बहुत ख़राब है, धीरे धीरे पतली हो रही है, तो उधर उसके गांव में कोई देता है दवाई जड़ी बूटी बना के। तो मैंने बोला तू लिया मेरे लिए, मैं पैसा दे दूँगी, तो वो लेके आएगा, खा के देखूँगी क्या होता है। और बड़ी बड़ी लड़की गई है स्कूल, आज सोमवार है, शनिवार रविवार छुट्टी था, तो आज सोमवार है, आज वो गई है स्कूल। तबीयत सही नहीं, गुड़ी का काम में लेके आई हूँ 2000 बना, आप देख सकते हो मैं बनाने के लिए, तो तबीयत सही नहीं लग रही है, तो वहाँ पे रख के फिर सोचा बना लूँ आप लोग के लिए वीडियो। बात भी नहीं कर पा रही, बात करते करते थक जा रही हूँ, पता नहीं क्यों इतनी पतली हो रही हूँ धीरे धीरे गाइस, पता नहीं खाली ज़्यादा टाइम सो के रहती हूँ ना, इसी वजह से मुंह थोड़ा सा खुला खुला रहता है। तो गाइस क्या करूँ, क्या बताऊँ आप लोगों को। उस दिन तारीख पे गई थी, सोची कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी, पर नहीं बना पाई थी क्योंकि वहाँ पे कोर्ट कचहरी में मोबाइल तो अलाउ नहीं है लेना, इसी वजह से नहीं बनाई। अब बहुत दूर का रास्ता है, ये छोटे भाई लड़की को मैं घर पे छोड़ के गई थी मेरी सास के पास, बहुत रोई वो। तो मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, यूपी में पड़ता है हमारा तारीख, तो हम लोग वहाँ पर गए थे तारीख लाने के लिए, और बहुत गर्मी थी इसी वजह से वीडियो भी नहीं बना पाई। और वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड रहता है, पुलिस वाले रहते हैं, वो लोग गुस्सा करते हैं अगर मोबाइल चलाते हैं, वो भी गुस्सा करते हैं, तो इसीलिए नहीं। आप लोगों को तो मैं बोली थी एक वीडियो पे मैं जाऊँगी तो बनाऊँगी वीडियो वहाँ का, पर नहीं हो पा रहा है, क्या किया जाए। तो गाइस, मेरा चैनल सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है, प्लीज़ यार मेरा भी सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो, शेयर कर दो। कोशिश कर रही हूँ मैं बहुत कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगी जरूर, थोड़ा वक्त लगेगा, अगर तबीयत ही सही नहीं होगा तो कैसे बनाऊँगी वीडियो। एक स्टैंड की वजह से नहीं बना पाती ज़्यादा वीडियो, हाथ से कब तक बनाऊँगी वीडियो। आप लोगों का तो कोई ना कोई है ही है, मोबाइल पकड़ने के लिए, कैमरा पकड़ने के लिए, मेरा कोई है नहीं। मेरा सिर में तेल लगाई हूँ, हालत आप लोग देख सकते हो।
और गर्मी तो भाई बहुत ही बढ़ा है गर्मी। आप लोगों के इधर कितना गर्मी है आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो आज बनाऊंगी 2-3 शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए। मेरी लड़की भी ये 2 साल की होने वाली है, तो लगती नहीं है कि ये 2 साल की हो गई। 1 तारीख को 2 साल पूरा हो गया उसका। कहाँ बनाएंगे बर्थडे, बर्थडे हमारे नसीब में नहीं है। बच्चों के लिए पार्टी बनाए, बर्थडे करें, क्योंकि हमारा तारीख 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 में ही चले गया 5-6 लाख रुपए। अभी इस हालत में है, क्या बताएं। तो आज का ब्लॉग यही तक। मेरे छोटे भाई लड़की जब गुस्सा होती है तो ऐसे करती है, पता नहीं किससे सीखे, जब गुस्सा करती है तो ऐसे होती है। मेरा भी होने लगा तो एक टाइम, कोई बात नहीं। अभी जाऊंगी नहाने, फिर पूजा दूंगी, पूजा दे के फिर बुड़ी बनाने के लिए बैठूंगी। बुड़ी बनाने के बाद 1-2 बजे खाना खाऊंगी, उसके बाद आप लोगों के लिए बनाऊंगी वीडियो। मेरे हस्बैंड काम पे नहीं जा रहे, 1 महीना हो गया कि वो चारा काटने गए थे, उनका हाथ यहाँ से बहुत कट गया है। तो जाएंगे 5-6 दिन के बाद, थोड़ा सही हो गया। तो आज गए, वहाँ पे बारिश हो रही थी, कल गए मछली मारने के लिए। पता नहीं आता तो नहीं है मछली मारना, गया तो है, पता नहीं लाएगा या नहीं लाएगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैं कितनी पतली हो गई। मेरा थायराइड था जब मेरी पेट, मेरी बेटी छोटी वाली पेट में थी तब मेरा थायराइड था। मैं थायराइड यहाँ से 15-20 दिन पहले चेक की हूँ, थायराइड है नहीं। कि उस टाइम पर मैं मोटी हो गई थी, तब तो पता नहीं, धीरे धीरे बहुत पतली हो जा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं कब मोटी होंगी। तो आज का भी ये ब्लॉग यहीं तक। प्लीज़ गाइस मुझे भी सपोर्ट कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को।